हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मरसी सिंह तो आज का वीडियो में आप सभी के लिए लाई हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन के बारे में तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना बिना स्किप के आप सभी को देखना है क्योंकि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स है मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से खुद सर्च करके निकाले हैं तो ये सब कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन के पहले आप लोगों को काम में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को दिखेगा मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मास्टर्स प्रोग्राम फिफ्टी सेवन डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट्स में अलाउ करते हैं जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स लॉ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में ठीक है और फोर्टी नाइन पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स का डिपार्टमेंट है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में और आप किसी भी एफिलेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में भी ठीक है तो इसके लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है ऑफ़लाइन तो उसके बारे में भी बात करेंगे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को गुवाहाटी डॉट ए सी डॉट इन पर आपको जाकर सर्च करना है इंफॉर्मेशन देखना है तो चलिए दो साल का ये जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो हम लोग एक बार देखेंगे स्क्रीन पर मिनिमम ट्वेंटी फ़ोर क्रेडिट्स रहने होंगे कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जो भी अलग सब्जेक्ट था आपका जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हो ट्वेंटी फ़ोर क्रेडिट्स मिनिमम रहने होंगे फाइनली अब हम देखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो और कितना सीट अवेलेबल है आओगे अरबिक एंथ्रोपोलॉजी आसामीज बेंगोली बोरो कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश वॉकलोग स्टडीज उसके बाद जियोग्राफी हिंदी हिस्ट्री लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मैथ्स कम्युनिकेशन पर्सियन फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी संस्कृत सोशियोलॉजी ओमेन स्टडीज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड वी एल एस आई बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ है उसके मास्टर ऑफ कॉमर्स में सेवेंटी वन सीट है पाँच साल का इंटीग्रेटेड एमकॉम कर सकते हैं उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए थर्टी फाइव सीट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम ही रहता है यहाँ पे देख लेना एलएलएम के लिए फिफ्टी सीट है उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस में सब्जेक्ट देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बोटानी कमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवॉयटल साइंस जोग्राफी जियोलॉजी हर्बल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स रेडियोलॉजिकल फ़िज़िक्स स्टेटिस्टिक्स जूलॉजी वाइल्ड लाइफ साइंस उसके बाद एम एस इन नर्सिंग साइकियट्रिक नर्सिंग में ट्वेंटी सीट है उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में भी मास्टर कर सकते हो तीन ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे और मास्टर ऑफ टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग देखिए जो डिसिप्लिन और पी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के अंदर में ही नहीं आप यूनिवर्सिटी के जो एफ़िलटेड uh, कॉलेजेस से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर एंट्रेंस क्लियर करते हो मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप लोग कोई भी एक कॉलेज़ में फॉर एग्जाम्पल बी वोआ कॉलेज आर जी कॉलेज ऐसे आप लोग किसी भी एक कॉलेज़ में अगर आपका उस कॉलेज में सब्जेक्ट है तो आप लोग अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो ठीक है सिर्फ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही लेना पड़ेगा अगर नहीं मिला तो आप क्या करोगे तो आप लोग को निराश नहीं होना है आप लोग के पास बहुत ऑप्शन रहेगा ठीक है तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी कौन कौन से कॉलेजेस में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और उनके अगेंस्ट में आप लोग नीचे देख पाओगे ई मेल एंड उनका वेबसाइट डिटेल्स और फ़ोन नंबर सारा कुछ रहेगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना ठीक है ऑफ कैंपस में रहेगा मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफ़िलटेड कॉलेजेस है उसको ऑफ कैंपस बोला जाता है तो इसमें कुछ कॉलेजेस के नाम है कहाँ पे है वो कॉलेज गुवाहाटी से कितना डिस्टेंस में है ईमेल आईडी कैसे कांटेक्ट करें उन्हें वेबसाइट डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ आपको कॉलेज में जाके देखना है वेबसाइट में तब वो अपना एडमिशन का जो नोटिफिकेशन अपलोड करता है तो आप लोगों को रेगुलरली चेक करते रहना है जब भी आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बाद से ठीक है कभी कभार तो मेरिट लिस्ट निकलने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको अपने से जो पास कॉलेज होता है या फिर जो कॉलेज में आपको पढ़ने का मन है उस कॉलेज में आप लोग अप्लाई कीजिएगा सीट कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है आप लोग और भी अच्छे से जान सकते हो कि इस कॉलेज में आपको अप्लाई करना जरूरी है क्योंकि उस जगह में आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं ठीक है और उसके बाद उस कॉलेज का वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है फ़ोन नंबर दिया गया है हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं ये सब कुछ भी बताया गया है आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके देखना या फिर खुद वेबसाइट में जाकर आप लोग देखना ठीक है और स्क्रीन लेकर रखना ताकि जब भी आप एग्ज़ाम दो एंट्रेंस देने के बाद आपका बहुत आसान हो जाए काम किस कॉलेज में आपको अप्लाई करनी है और कुछ भी जानकारी आगे चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और एग्ज़ाम डेट्स वगैरह मैं उसका भी एक टेंटेटिव डेट्स वगैरह आप लोगों को आइडिया दे दूँगी क्योंकि देखो ये फिक्स नहीं है जब भी सेकेंड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होगा तभी आप लोगों को पता करना है कि उससे आगे पीछे आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा एंट्रेंस डेट दिया जाएगा ठीक है तो वो भी मैं सारा कुछ बता दूंगी फिर भी एक बार आप लोगों को आइडिया देती हूँ लास्ट ईयर का टाइम टेबल से इस साल का थोड़ा आइडिया लगाना है ठीक है फिर अब हम देखेंगे कि टाइम टेबल बहुत लोग पूछते हैं कि एडमिशन कब होगा दीदी एंट्रेंस कब होगा तो आप लोगों को प्रिपरेशन एक दो महीने पहले ही करनी होगी क्योंकि एक दो महीने पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कभी कभार लेट होता है तो लास्ट ईयर आप लोग देख सकते हो जुलाई महीने को आया था और फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन को एग्ज़ामिनेशन हुए थे तीन सेशन में हुआ था ठीक है तो फर्स्ट सेशन सुबह नौ बजे से स्टार्ट हुआ ग्यारह बजे तक फिर बारह बजे दो बजे तक फिर तीन बजे से पाँच बजे तक एक सेशन मतलब एक दो तीन सेशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट एंड टाइम देख के और वेन्यू में पहुंचना है इसका अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल